उम्मीद है अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी अच्छी शाम है, वीकेंड है, हमारी छुट्टी है, तो हम आए थे थोड़ा शीश और पे। साथ में हमारे अर्जुन भाई हैं और वो वाफिल का मज़ा ले रहे हैं, इसके साथ हमने जो है कॉफ़ी भी है। तो आज इरादा था कि साथ में बैठेंगे बीच पे, बीच तो एक्चुअली नहीं है ये सी शोर लाइन कह सकते हैं। तो हवा भी अच्छी चल रही है, हल्की हल्की ठंड है, तो सोचा कि एक कॉफ़ी के साथ वफिल का मज़ा लेते हैं, तो हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद दोस्तों, बाय। तो ये रहा दोस्तों हमारा वफिल, ये चॉकलेट वफिल हमने लाया था, और उसके साथ दूसरा ये जो है हमारा वफिल है, ये है पिस्ताशियो वफिल, और इसके साथ ये ब्लैक कॉफ़ी हमने घर से बना के लाई थी। तो आज यही है एंजॉय करने का, और सामने ये रहा समंदर, साहिल समंदर है, साहिल अच्छी चल रही है, ठंड कम है, सोचा कि इस व्यू को एंजॉय किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए इस मोमेंट को। फिर अर्जुन साहब नीचे चले गए, ये बोले कि कॉफ़ी डरवाने के लिए बोला, इनको बोल रहे कि कॉफ़ी नीचे जाके बोले, पागल पागल हो क्या यार, कहाँ नीचे जाके पियोगे, पत्थरों के बीच में जाके यहाँ बैठो आराम से शान से, यहाँ बैठने के लिए तो सही है, दूर दूर तक जो है पथरीली शोर लाइन है ये। तो चलिए कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं, कॉफ़ी का खोलते हैं, इंजॉय करते हैं। ठंडी हो गई अर्जुन भाई कॉफ़ी ये? हाँ ठंडी हो गई है, लास्ट टाइम ना इन्होंने ढक्कन खोलने के टाइम पे इनका एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली, ये इस तरह से खोला तो पूरा भाप के साथ इनकी आंख में चला गया था। हाथ में मार दो दोस्तों, ब्लैक कॉफी का मजा लेना है हमको। एक वहां पे गई सॉरी वीडियो बनाने के चक्कर में हाथ जला दिया मेरे अर्जुन भाई का, उन्होंने बोला कि हाथ जला दीजिएगा, लेकिन और बोल बेचारे के ऊपर गिर गया। सो ये रहा कॉफी शेयर हमारा, तो ये रही दोस्तों गरम गरम कॉफी, काफी स्ट्रांग बना दिया आपने, इसने इतना स्ट्रांग भी नहीं चाहिए, सफर चट हो गया है, सफर चट कर दिया हम लोगों ने वफिल्स, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, काफी टेस्टी था, स्पेशली मुझे चॉकलेट वाला काफी अच्छा लगा। सो दोस्तों शाम ढल रही है, सूरज अब नीचे आ गया है, और साथ साथ में समंदर का पानी जो है हाई टाइड वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, काफ़ी सूरज झल रहा है, समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है हाई टाइड, क्योंकि जैसे सूरज झल जाएगा तो पानी काफ़ी ऊपर आ जाता है समुद्र का एज यूजुअल। दोस्तों ठंड काफ़ी थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने मोज़ा पहन लिया और इस व्यू को और इस जगह को इन्जॉय करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। सूरज ऑलमोस्ट जो है ढल गया है, 5 मिनट बाद जो है बिल्कुल अंधेरा सा हो जाएगा इस इलाके में। सो दोस्तों शाम ऑलमोस्ट ढल गई है, 10 मिनट में सूरज नीचे चला जाएगा, और हमने सोचा कि चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं अर्जुन भाई के साथ बीच पे। शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, रोड चलते चलते आपको खाने के सामान भी मिल जाएंगे, एक्चुअली सदका है जिसको चैरिटी कहते हैं, तो लोग यहाँ पे चैरिटी भी करते हैं, दही है उसके साथ एक रोटी है और एक बोतल पानी है, तो मैंने मना नहीं किया, ले लिया। चलिए तो इस तरह से ये भी एक पार्ट है सऊदी अरबिया का कि लोग यहाँ पे कितने चैरिटेबल है, कितना चैरिटी करते हैं। इसी तरह से हम और अर्जुन साहब हैं, पीछे हमारे समंदर है, हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और यहाँ से भी ऑलमोस्ट शाम हो गई है, नमाज़ का वक्त हो गया है, तो मैं जाऊंगा नमाज़ पढ़ने, अर्जुन भाई पार्किंग में वेट करेंगे मेरे लिए, फिर नमाज़ पढ़ के हम लोग जाएंगे खाने के लिए।
तो आज प्रोग्राम है खाने में डोसा है, केरल का एक होटल है वहाँ पे जाएंगे हम लोग, डोसा खाएंगे, घी रोस्ट, मसाला नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ घी रोस्ट होता है, सांभर चटनी देते साथ में वो। तो ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं आपसे। चलो ठीक।